बच्चों, मैं हिंदी टीचर, मेरा नाम रीता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मात्राएं। हिंदी सीखने के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट स्वर, व्यंजन, उसके बाद हमें मात्राएं सीखना है। तो मात्राएं और स्वर व्यंजन अगर हम सीख लेते हैं तो हम हिंदी आराम से लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो आज हम देखेंगे मात्राएं। आ की मात्रा, अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 37 निकालें और उसमें देखिए लिखा हुआ है आ की मात्रा। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आह की मात्रा। तो आज हम देखेंगे कि मात्राएं, जैसे देखिए आ, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद देखिए आ, ये है आ, ये हो गया आ की मात्रा। ई, ई की मात्रा, ई, ई की मात्रा। फर्स्ट आ, आ में कोई मात्रा नहीं होती है। आ, आ की मात्रा। उसके बाद ई, ई की मात्रा, ई, ई की मात्रा। ऊ, ऊ की मात्रा। उसके बाद देखिए ऊ, ऊ की मात्रा। री, री की मात्रा। ए, ए की मात्रा। आई, ए की मात्रा। उसके बाद हम देखेंगे आई की मात्रा। फिर यहाँ पे देखिए ओ, ओ की मात्रा। आओ, आओ की मात्रा। उसके बाद अम, अम की मात्रा। आहा, ये हो गया आहा की मात्रा। यहाँ पे देखिए पहले ये क्या है, अ आ ई ई ऊ ऊ री ए आई ओ औ अम आहा, ये है स्वर। अब इनकी स्वर की मात्राएं, जैसे देखिए अ, आ में कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद देखिए आ, आ की मात्रा। ये ई, ई की मात्रा, ई, ई की मात्रा। ऊ, ऊ की मात्रा, ऊ, ऊ की मात्रा। री, री की मात्रा। ए, ए की मात्रा। आई, आई की मात्रा। ओ, ओ की मात्रा। औ, औ की मात्रा। अम, अम की मात्रा। आहा, यह है आहा की मात्रा। मैंने फर्स्ट पहले क्या बोला कि आ की मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे देखिए हम इसको पढ़ रहे क, राइट, क मतलब जब आप बोलते हो क तो आप देखिए लास्ट में आता है अ, मतलब क में क्या छिपा हुआ है, आ, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे आप बोलिए क, क में क्या है अ, तो यहाँ पे हो गया ये क, क प्लस अ क। उसी तरह देखिए क प्लस आ की मात्रा, तब हो जाता है क में आ की मात्रा का। तो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि आ की मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए जैसा ऊ की मात्रा, जो भी वर्ड्स में हम लगाएंगे, जैसा देखिए क ऊ, कू बन गया। अभी देखिए क प्लस अ, ये हो गया क। उसके बाद क प्लस आ की मात्रा, या आ भी लिख सकते हैं हम, क आ, हम यहाँ पे लिखेंगे का। उसी तरह स्वर के साथ ये मात्रा जोड़ने के बाद बन जाता है ये मात्राएं, जैसे क प्लस अ क, क प्लस आ क।
हो गया मात्राएं। तो हिंदी सीखने के लिए हमें क्या सीखना चाहिए? मात्राएं ध्यान से सीखना चाहिए, तब हम हिंदी आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट फिर से बोलिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है फिर आप देखिएगा पेज नंबर 37 में मात्राएं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। हमेशा आप याद रखेंगे, ए में देखिए सिर्फ एक होती है ऊपर, इसे कहते हैं ए की मात्रा, और ए में देखिए दो ऊपर होती है। ये हो गया ए की मात्रा, ये हो गया आई की मात्रा, सेम। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी ओ में सिर्फ एक ही होता है, औ में दो होता है। तो आज ने हमने क्या देखा? मात्राएं, स्वर की मात्राएं। तो ये हो गया मात्राएं। बच्चों आज हमने मात्राएं सीखा। तो आज हम यहीं तक। धन्यवाद।